हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अनविका यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम लोगों ने सिंगल डे में पूरा का पूरा उदयपुर कवर किया, तो अब हम चल पड़े हैं अपने दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ जो है माउंट आबू। उदयपुर से मॉर्निंग में हमने बस ली और यहाँ से हम पहले जाएंगे आबू रोड और वहाँ से शेयरिंग कैब्स या कैब्स लेके वहाँ से जाएंगे माउंट आबू। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे और दिखाते हैं आपको माउंट आबू। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं माउंट आबू और ये माउंट आबू का बीच का अंबेडकर सर्कल है। यहाँ पे कोई भी कैब से आप आते हो तो वो यहीं आपको ड्रॉप करेगी, उसके बाद आपको आगे की जर्नी खुद से स्टार्ट करनी है। तो हम लोग भी चलते हैं आगे और अपने होटल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने होटल लिया है जो कि माल रोड पे है और बिल्कुल नक्की लेक के सामने ही है। सबसे बेस्ट यहाँ पे यही होटल है और सबसे ज़्यादा चलता भी यही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं होटल की तरफ, होते हैं थोड़ा फ्रेश और निकलते हैं यहाँ से आगे की जर्नी के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी आइसक्रीम शॉप्स हैं और होटल के नीचे एंट्री करने से पहले ही चाहत ने आइसक्रीम का कोन उठा लिया। ऊपर आके उसने रूम एंटर होते ही गंदा कर दिया है। पहले उसकी सफाई करा रहे हैं, फिर उसके बाद हम फ्रेश होके निकलते हैं घूमने और दिखाते हैं आपको। इसकी मस्ती का कोई ठिकाना ही नहीं है, बिल्कुल भी लड़की बाज नहीं आ रही है हमारे हाथों में। तो अब हम निकल चुके हैं स्कूटी रेंट पे लेके और ये हमें पड़ी है 300 रुपीज़ प्लस पेट्रोल, जो अलग हमने 200 रुपये का डलवाया है इसमें। ऑलमोस्ट स्कूटी वाले भैया से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपको 2 लीटर पेट्रोल लगेगा सब कुछ कवर करने में। तो हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन पॉइंट है यहाँ पे अचलगढ़ का जैन टेंपल। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है रास्ता, कैसा है सफ़र और वहाँ पे पहुँच के आपको बताते हैं आगे का प्लान। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे होटल के आसपास ही है, जो थोड़े दूर के पॉइंट्स हैं वो हम आज पहले कवर कर रहे हैं स्कूटी से। ये अचलगढ़ का जैन टेंपल का रास्ता है, स्कूटी से हैं तो हम लोग ऊपर तक जा भी रहे हैं, गाड़ी से आते कैब करते तो हमें नीचे ही उतर के पैदल जाना पड़ता। तो हमने स्कूटी प्रेफर इसलिए की है कि हमारा टाइम भी बचे और एक दिन में हमें पूरा ये कवर भी करना है। तो हम पहुँच चुके हैं अब अचलगढ़ जैन टेम्पल और आपको दिखाते हैं मंदिर अंदर से कैसा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर और करीब यहाँ पे 150 से 200 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ के आए हैं। ये चाहत गोदी से उतर के कि बस मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी है, पर बच्चे को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है सीढ़ी वगैरह पे। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं आगे मंदिर में और दिखाते हैं यहाँ पे क्या है। Thank you.
करीब 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको 100 सीढ़ियाँ मंदिर के अंदर अंदर भी चढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आप मेन मंदिर पर पहुँचोगे। मंदिर बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे जैन धर्म के सारे भगवानों को यहाँ पे स्थापित किया गया है और बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पे ऊंचाई पे यह मंदिर होने के कारण बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो आप ऊपर देख रहे हैं ये है अचलगढ़ का किला। ये बिल्कुल खंडहर हो चुका है और अब इसमें कुछ बचा भी नहीं है, तो इसमें जाने का कोई मतलब भी नहीं है। बस मैंने आपको सोचा कि फ्रेम में दिखा दूँ यहाँ पे अचलगढ़ का किला कौन सा है। वापसी लौटते समय रास्ते में पड़ा है श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे शिव जी का शिवलिंग नहीं बल्कि उनके अंगूठे की पूजा की जाती है और ये मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन भी चल रही है तो आने वाले टाइम में ये मंदिर और भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ी बहुत भूख लगी थी और कुछ खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं गुरु शिखर की तरफ। ये भी एक दूर का पॉइंट है और काफ़ी ऊंचा। वहाँ से आपको पूरा का पूरा माउंट आबू शहर दिखता है। पहाड़ों में स्कूटी चलाने का मज़ा अलग ही होता है और हम जब भी कहीं हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं तो स्कूटी ही प्रेफर करते हैं। इससे टाइम भी बचता है और नेचुरल ब्यूटी का मज़ा भी बहुत आता है। तो चलिए आप रास्ते का मज़ा लीजिए और आपको दिखाते हैं गुरु शिखर पर्वत पे मंदिर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गुरु शिखर और करीब अचलगढ़ से ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था। पहाड़ों पे 10 किलोमीटर भी काफ़ी ज़्यादा लगता है पर स्कूटी से हमें बिल्कुल पता नहीं चला। चार भी सो गई स्कूटी पे हवा लगने से। चलते हैं आगे और करीब करीब यहाँ भी 300 सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़नी है। उसके बाद ऊपर चरण पादुका है, उसके नीचे मंदिर है, फिर हम नीचे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे कहते हैं कि गुरु विष्णु भगवान का मंदिर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और बढ़ते हैं आगे।
शिखर के बाद अगला स्टॉप है हमारा ट्रेवल टैंक, ये रास्ते में पड़ा था। हम यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है पर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। कहते हैं कि अंदर एक फॉरेस्ट व्यू एकदम मिलेगा आपको, और क्रोकोडाइल वगैरह है पानी में, एक लेक है। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या है और दिखाते हैं आपको। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे रास्ता और ज़्यादा ही डेंस होता जा रहा था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल फॉरेस्ट में घुस गए। तो बीच में ये एक लेक है, इसी में क्रोकोडाइल्स रहते हैं। अभी तो नहीं दिख रहे हैं पर हमें फ़िश ज़रूर दिख रही है, काफ़ी बड़ी बड़ी फ़िश हैं यहाँ पे। और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बीच में आपको एक ये लेक है और आसपास माउंटेन्स की सराउंडिंग है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कहाँ जाएंगे हम आपको दिखाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं जैन दिलवाड़ा टेम्पल। आपने बुक्स में, पुराने हिस्ट्रीज में पढ़ा होगा इस मंदिर के बारे में, बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही भव्य है। पर यहाँ पे फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो हम लोग फ़ोन सबमिट करा रहे हैं और आपसे मिलते हैं आगे।